हेलो जी, सत श्री अकाल। लो जी, तुहाडे अगे लैके आ गया इक होर नवीं रैसपी, वर्त वाले पकौड़े। बहुत ईजी रैसपी है, आपां सारे घरे बनांदे ही आ, कोई बहुत औखा काम नहीं है। जय माता दी। चलो फिर शुरू करते हैं आपां रैसपी। सब तो पहला आपां ने 3 to 4 वड्डे मीडियम साइज आलू लै लेने आ। उन्हां नूं पील कर लेना चंगी तरह, जिस तरह तुसीं वीडियो च देख रहे हो। पील करन तो बाद आपां ने उन्हां नूं पतले पतले ते लंबे स्लाइस कर लेना, तो उन्होंने पानी च पा देना। चंगी तरह उन्होंने पानी च साफ करन तो बाद आपां ने उहदे विच स्लाइस पनीर ऐड कर देना। इट्स ऑप्शनल। 1 tablespoon सेदा नमक अपने यूज करना है, 1/2 tablespoon ऑफ रेड चिली पाउडर, तो आपने ये 4 to 5 बिग स्पून ऑफ संघाड़े का आटा, तो 3-4 tablespoon ऑफ भुनिया हुआ जीरा पा के अपने सारे मिक्सर नू मिक्स करना। पहला तुसी इहदे च पानी ना ऐड करियो, क्योंकि अपने आलू गिले सी, उहदे च ही आटे नू मिक्स करन दी कोशिश करियो। फिर भी जे तुहानू लगे तां 2 to 3 tablespoon पानी ऐड कर लियो। अगर तुहानू लगे आटा थोड़ा घट है तां तुसी होर आटा भी ऐड कर सकदे हो। एक कढ़ाई दे विच आपां ऑयल लै लो, तो उहनू मीडियम हीट ते गर्म करके आपां ने अपने आलूआं दे बैटर नू फ्राई करना है। चाहे तां तुसी अपने हाथ यूज़ कर सकदे हो, चाहे तां तुसी स्पून दे नाल भी उन्हां नू फ्राइंग पैन दे विच पा सकदे हो। अपने अपने आलूआं दे बैटर नू उन्नी देर तक फ्राई करना जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, पर इन्ने पकौड़े पायो कि ओवर क्राउड ना हो, एक दूजे नाल ज़्यादा ना चिपकन। थोड़े घट पायो जिस तरह तुसी देखते पए हो। दोस्तों, जे तुहानू साडीआं रैसपीआं चंगीआं लगदीआं होण, साडे चैनल नू जरूर सबसक्राइब करना। आपां ने अपने पकौड़िआं नू हुण इक पेपर टावल लगा के इक प्लेट च कढ लैणा। 90% जो कुक हो जाण उदों कढ के थोड़ा ठंडा करके फिर तो अपने एक बार फिर अपने पकौड़िआं नू जस्ट 1-2 minutes लई फ्राई करना। एंड इट्स डन। जो आप दोबारा एक बार फिर थोड़ा जिहा ठंडा करके 1-2 minutes लई फ्राई करते हैं तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। लो जी, तुहाडे पकौड़े रेडी ने, इमली की चटनी नाल ते दही दे नाल। सर्व करो ते इंजॉय करो। मिलते हैं जल्दी एक होर नवीं रैसपी दे नाल। खुश रहो, मौजा मानो। सत श्री अकाल दोस्तों।